हमारे पूरे भारत में सरकारी सेवाएं इस तरीके से सरकार मुहैया करा रही है, कहीं स्वास्थ्य के प्रति तो कहीं स्वच्छता के प्रति हमारी सरकार इन सेवाओं के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा देखा जा रहा है कि उन सेवाओं को रद्द करते हुए सरकारी कर्मचारी ही हमारे देश के कामयाबी के कदम को कहीं पीछे ना खींच ले। हम उसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरवाला में आपको लेकर चलते हैं। वहाँ पर सरकारी अस्पताल किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार बरता जा रहा है, आइए उसकी एक झलक हम छोटी सी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति सुबह 9 बजे से 1:00 बजे तक पर्ची कटाने के बाद CAC में रेंगता रहा और उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। सरकारी अस्पताल के इंचार्ज योगेंद्र सिंह से जब इसके बारे में बात की तो उन्होंने यह कहकर टरका दिया कि हमारे पास काफी भीड़ है, हम किस किस का इलाज करें, आखिर यह रवैया कब तक चलता रहेगा। गजरवाला CHC में रणवीर सिंह गाँव सदरपुर अपनी 9 बजे पर्ची कटा लेता है और उसे 1 बजे तक कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, आखिर यह कैसा स्वास्थ्य विभाग है। समर इंडिया के संवाददाता भरत सिंह ने जब उससे बात की तो उसने आप बीती सब कुछ भरत सिंह को सुनाई और बताया, मैं सुबह 9 बजे से सरकारी अस्पताल में अपनी पर्ची कटाकर पढ़ा हूँ और मेरी कोई भी फरियाद नहीं सुन रहा है। एक तरफ हमारी सरकार स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति दावे ठोक रही है, दूसरी तरफ उसी का विफल कार्य गजरवाला CHC में देखने को मिल रहा है। कभी आधे घंटे मिलेगी। अभी गजरवाला से समर इंडिया के लिए भरत सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर पाने के लिए समर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।